सो so, मैं डॉक्टर केवल हूँ मैं कार्डियक सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एंड आई एम डायरेक्टर फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट मेंटिकुलोसिस डिवाइसेस आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल हार्ट कैसे काम करता है जिसको बोलते हैं एलवेड के नाम से फेमस है तो एलवेड कैसे काम करते हैं यूजली क्या होता है कि जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है तो आपको या तो हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है या आपको आर्टिफिशियल हार्ट की जरूरत होती है आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर पेशेंट कई टाइम तक जिंदा रह सकता है दस साल पंद्रह साल ऐसे भी आते हैं जिसमें पांच छह साल जिंदा रहते हैं ऐसे भी आते हैं जिसमें आदमी पंद्रह साल तक जिंदा रह सकता है तो आर्टिफिशियल हार्ट जो होता है वो बॉडी जैसे ही आपके हार्ट में ब्लड आता है उससे ब्लड लेता है और बॉडी से वो आपको ब्लड निकाल के और एयोटा में डाल देता है जो पांच लीटर ब्लड पर मिनट डालता है तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि कि आपको वो, आ, क्या मतलब आ, कि आपकी बॉडी मान लो चार लीटर रिक्वायरमेंट है या पांच लीटर रिक्वायरमेंट है तो ये पूरी कर देता है जब आपका हार्ट फेल होता है तो आपको ये दो लीटर डेढ़ लीटर ऐसे होता है जो कि आपकी पंपिंग पावर बहुत कमजोर होने के बाद होता क्या है कि आप अच्छा तरह से काम नहीं कर पाते कहीं दौड़ नहीं सकते कहीं जा नहीं सकते एक्सर्शन नहीं कर सकते तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियल हार्ट लगाते हैं जिससे कि आदमी की लाइफ लंबी चले अदरवाइज 15-20 परसेंट ई एफ है सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जा सकता है तो कभी ऐसा भी होगा कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होगा वो अः मतलब घर पहुंचेगा ही नहीं तो आज मैं ना आपको ये दिखाऊंगा कि आपका मतलब कैसे आज पेशेंट को हम आ, कर सकते हैं कि पेशेंट को कैसे लिया जा सकता है आ, इसमें आर्टिफिशियल हार्ट पे तो आ, आ, जो इसमें आ, एक वीडियोस हैं बहुत सारे जिससे कि मैं आपको शायद स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपसे और एक तो इस तरह का वीडियो है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कि ये जो हार्ट ब्लड में कनेक्ट हो जाता है जब पंपिंग से तो ये जो सर सर्कट जो होता है ये जो एम्पैलर बोलते हैं जिसको ये मूव करता है और चार से पांच लीटर ब्लड हार्ट से एयोटा की तरफ लेके जाता है और एयोटा में डाल देता है जिससे कि आपका मतलब हार्ट आपका काम करे ना करे ये मशीन चलती रहेगी तो ये एक ए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपके लिए आ, आ, जो, जो कि ब्लड को वेंट्रिकल से लेके ओटा में डालना जो कि हार्ट का मेन काम होता है हार्ट वेंट्रिकल से ओटा में ही ब्लड जाता है पंपिंग करने पर ये बहुत बड़ा आ, मतलब एडवांटेज है कि पहले ये दस साल पहले आठ साल पहले ये आर्टिफिशियल पंप नहीं होते थे तो यूजुअली लोग मर जाते थे या तो उनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता था या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर नहीं मिला ऑर्गन नहीं मिला तो आज पेशेंट की डेथ हो जाती थी जो दूसरे तरह का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली हेल्प कैसे करता है ये तो अगर आप देखेंगे कि आ, आ, ये कि ये अगर आप स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये बहुत बैलून शेप हार्ट है जैसे ही हमने ये पंप लगाया तो हार्ट रिलैक्स कर जाता है जब रिलैक्स कर जाता है तो पीछे के प्रेशर भी कम हो जाते हैं और ब्लड तेजी से बॉडी में जाने लगता है तो जो आपका किडनी में ब्लड नहीं जा रहा है आपके लिवर में ब्लड नहीं जा रहा है तो उनको पूरा ब्लड मिल सारे ऑर्गन्स को ब्लड मिलने लग जाता है जो कि रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल बॉडी में पांच लीटर होता है तो सबको जाता है जब दो लीटर रह जाता है तो सारी जगह पूरा नहीं पहुंच पाता तो सारे ऑर्गन खराब होने लगते तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आर्टिफिशियल हार्ट का मैं आपको आ, मतलब एक ए, वो दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे हम कर सकते हैं ए, जो एक मेरे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जिसमें क्या है कि हाउ पहले बहुत तरह के ये आए हैं जिनको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल पंप्स ये मल्टीपल टाइप्स के हैं जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो हार्टमेट थ्री और एच होता है पहले जमाने में बोलते थे कि पल्स नहीं है तो पेशेंट की डेथ है लेकिन नो पल्स नो प्रॉब्लम फॉर अस तो इस तरह से ये हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है कि आप हार्ट की मेन वेंट्रिकल के अंदर इनफ्लो कैनुला होता है और वो ब्लड पूरा उसको एयोटा को में डाल देता है जो काम हार्ट का होता है अगर आपकी पंपिंग पुअर है तो वो काम पंप कर देता है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट के कई तरह का होता है तो मैंने आपको दिखाया और जिस तरह से ये आ, आ, ये चलता है तो अगर आप ये देखेंगे कि जब हार्ट को इसको कनेक्ट कर देते हैं ये मोस्ट एडवांस्ड पंप है तो अगर ये लेफ्ट होता है, जो सारी को देता है अगर ये अंदर लेता ब्लड इसके अंदर पंप के अंदर ब्लड आ जाता है जैसे देखो आपकी कैसे आ रहा है ब्लड इसके अंदर आ रहा है और अब ये ब्लड बॉडी में दिया जा रहा है तो और ये ड्राइव लाइन ऐसे बाहर आती है सबसे पहला जो इम्प्लांट किया था वो हमने किया था मैक्स हॉस्पिटल साकेत में और पेशेंट्स को आप देखो कि बहुत सारे पेशेंट्स को बाद में कितना फायदा होता है ये आर्टिफिशियल हार्ट के साथ में आपको बैग रखना पड़ता है जिसमें कंट्रोलर और बैटरी होती है और पेशेंट अपनी लाइफ का मतलब एंजॉय करते हैं चाहे कि एज कितनी भी ज़्यादा हो ये देखो एक बयालीस साल का लड़का है जिसको हमने डाला था ये फ्रॉम इराक

दो तीन साल हो गए और, और जिंदा रहेगी एक बच्ची को हमने डाला था जो सबसे की बच्ची है इसके बैग में पीछे इसके आर्टिफिशियल हार्ट है और ये कैसे चल रही है ये ऑपरेशन के एक महीने बाद का वीडियो है जिससे और हमने एक अभी हिकमत एक और पेशेंट को डाला जो ये कुर्दिस्तान से आया था एक नया और मशीन आई है जो दोनों वेंट्रिकल को बदल देती है जिसको बोलते हैं सिंकार है। और पेशेंट उसके साथ लाइफ लॉन्ग घूम सकते हैं आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं केवल कृष्ण डॉट कॉम और उसपे बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए कि आर्टिफिशियल हार्ट क्या होते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या होता है इनको कैसे किया जाता है तो ये सारा सारा कुछ आप उसमें से मतलब देख सकते हैं कि ए, इसकी फंक्शन क्या होता है इसके फायदे क्या होते हैं कितने साल तक चलता है बहुत कुछ है और अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट एट केवल कृष्ण डॉट कॉम पे मेल लिख सकते हैं तो बेसिकली मेरे कहने का आज जो पर्पस है वो ये है कि अगर के हार्ट आपका बहुत कमजोर है और आपको हार्ट के कारण हम मरने नहीं देंगे बेसिकली जैसे पहले पचास साल में लोग मर जाते थे फिर बाईपास और पचास पचपन की एज पे और बाईपास आई स्टेंटिंग आई तो लोग पैंसठ साल सत्तर साल तक जीने लगे अब हम आपको सत्तर से अस्सी नब्बे दस पंद्रह साल लाइफ के और देंगे इसी आर्टिफिशियल हार्ट के साथ क्योंकि आर्टिफिशियल हार्ट आपको दस पंद्रह साल तक जिंदा रखता है बैटरीज होती हैं इसमें जो आपको चेंज करनी पड़ती है बट वैसे और इसमें कोई इशू नहीं है आपको बहुत अच्छे से नॉर्मल लाइफ जैसे लोग घूमते हैं फ्लाई करते हैं किसी भी कंट्रीज में जा सकते हैं आप बहुत सारे लोग बाहर के कंट्री में आते हैं ऑपरेट कराते हैं 15 -20 दिन बाद अपने घर चले जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं जैसे कि एक नॉर्मल आदमी जी सकता है जो ऑपरेशन से पहले जो उनका हार्ट जो कमजोर होता है जिनको हम आर्टिफिशियल हार्ट लगाते हैं वो बताते हैं कि वो अच्छी तरह से सो नहीं पाते वो अच्छी तरह से खा पी नहीं सकते उनको फ्लूड रेस्ट्रिक्शन होता है कि आपको एक लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है पूरे दिन में जब आपके आर्टिफिशियल हार्ट लग जाएगा तो पांच लीटर जो कि नॉर्मल आदमी का होता है तो आप कुछ भी खा सकते हैं कुछ भी पी सकते हैं एवरीथिंग और आपकी सबसे अच्छी बात नॉट ओनली सर्वाइवल कि आप इतने साल ज्यादा जिंदा रहेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी कि आप नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे हर जगह जा सकेंगे और आर्टिफिशियल हार्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इम्यूनो सप्रेशन जो ट्रांसप्लांट के बाद लेने पड़ते हैं कि आपको थोड़ा इन्फेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी रिजेक्शन को प्रिवेंट करने की इसमें वो भी प्रॉब्लम्स नहीं है आर्टिफिशियल मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना एक दो रुपए की गोली खानी एसिट्रोम की खून पतला करने की उसके अलावा कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है जो कुछ है वो आर्टिफिशियल artificial... और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस पेशेंट को एलवेड लगा है हम हमारी आपकी डेथ हो सकती है हार्ट अटैक से उनकी नहीं होगी क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल हार्ट पे चल रहे हैं उनका हार्ट काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आप बहुत सारे लोगों को जिंदा रखेगी बहुत सालों तक क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू लिव लाइफ, सी वर्ल्ड एंड रोम अराउंड। इफ यू हैव मनी टू देन यू शुड लिव अ लाइफ एक्चुअली अ वेरी गुड लाइफ आई टुडे मैंने आपको दिखाया आज की आर्टिफिशियल हार्ट हार्ट में टू दिखाया जो थ्री दिखाया जो सबसे है है जो साल तक चलता है। तो इससे अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए क्योंकि लोग और चीजों से किसी से डेथ हो हो लेकिन हार्ट से आपकी डेथ नहीं होने देंगे जो कि मोस्ट कॉमन डेथ होती है तो मेरा आज मैं आपसे इतना ही बताऊंगा आप मेरी वेबसाइट केवल डब्ल्यू 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 केवल कृष्ण डॉट कॉम पर जाके देख सकते हैं कि, वो कैसे होता है थैंक यू वेरी मच